विरक्त हो जाएंगे। जिस गौमुख में हम समझते हैं कीड़े भी मौजूद होंगे, है उसका महत्व क्यों नहीं है भैया, आप विचार करो। तो मानव मानव जीवन के महत्व को जब तक नहीं आंकेगा, तब तक कोई तो ऊंचा चढ़ेगा, कोई नीचा पाताल में घुसेगा, कोई संग्रह करेगा, कोई लड़ेगा, न जाने क्या क्या करेगा। और जिस समय मानव मानव जीवन के महत्व को स्वीकार कर लेगा, उस समय उसके जीवन में इतना सौंदर्य आ जाएगा, इतनी महानता आ जाएगी कि भाई वो सभी का होगा और सभी उसी के होंगे, उसके होंगे। भेद की गंध नहीं होगी, अभाव की गंध नहीं होगी, जड़ता और पराधीनता की गंध नहीं होगी। और उस जीवन की प्राप्ति के लिए हम सब साधन कर सकते हैं। तो तात्पर्य मेरे कहने का यह था कि अगर हमको और आपको अपने साध्य में आस्था हो जाए और ये विश्वास हो जाए कि जो हमारा साध्य है वो हमारा साध्य है, ये भय निकल जाए जीवन में से, ये भ्रम निकल जाए जीवन में से, ये प्रमाद निकल जाए जीवन में से कि चिन्मय जीवन हम सदा आदमी कैसे मिलेगा, जब तक हिमालय के कमरे में नहीं जाएंगे। बोले चिन्मय जीवन हम सदा आदमी को कैसे मिलेगा, जब तक चारों वेद छह शास्त्र पढ़ नहीं लेंगे। बोले चिन्मय जीवन हमको कैसे मिलेगा, जब तक पुराण और पुराण से में हमारा प्रवेश नहीं हो जाएगा। ये सब बात भाई मैं नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? इसलिए नहीं मानता हूं कि ये सब मानव जीवन की विभूतियां हैं जिनकी आप महिमा गाते हैं। आप ही बताओ। अच्छा भाई देखो, निष्पक्ष भाव से और आप विचार करें। वेदों का प्रादुर्भाव ऋषि के आरंभ उत्पत्ति से पूर्व हो गया था क्या? है कोई प्रमाण किसी के पास? जी नहीं। तो पहले मनुष्य बना, पीछे वेद अवतरण हुआ, तो पहले वेद अवतरण हुआ, पीछे मनुष्य बना। जी तो भाई युक्ति की बात है, आप लोग ये अपना समझ लें कि मैं वेदों में श्रद्धा नहीं रखता हूं। मैं तो वेदों में महान श्रद्धा रखता हूं, लेकिन ये सोचो तो सही कि वेदों के प्रादुर्भाव से पूर्व आपके मानव जीवन का निर्माण हुआ सरकार, वो मानव जीवन से वेदों की शोभा होगी, वेदों का प्रचार होगा, वेदों का महत्व होगा, तो वो जीवन तो आपको हमको प्राप्त है ना। मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को गीता सुना सकते हैं, तो क्या अंतर्यामी रूप से हम सबको गीता नहीं सुना सकते? बताओ जी। तो श्याम सुंदर से गीता नहीं सुनेंगे, टीका पढ़ पढ़ कर, व्याख्यान दे देकर, मिथ्या अभिमान को खरीद कर अपने को बहकाएंगे और दुनिया को बहकाएंगे। इसलिए भाई पहले अपने जीवन में वेदों की अभिव्यक्ति करो, वेदों की अभिव्यक्ति करो, गीता की अभिव्यक्ति करो, पुराणों की अभिव्यक्ति करो, कुरान की अभिव्यक्ति करो, बाइबल की अभिव्यक्ति करो। हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते नहीं हो सकती है। क्यों? जिस अनंत ने मोहम्मद को इल्हाम दिया, वो अनंत आपका भी है, मोहम्मद का ही नहीं है भाई। वो जिस अनंत ने ऋषियों के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव किया, वो आपका भी है, उन्हीं का हो, ऐसी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि उनका जीवन बड़ा निर्मल था। अरे भाई हमारा आपका जीवन निर्मल नहीं हो सकता क्या? अरे जीवन में जो मल है, क्या हमें अपने बनाए हुए दोष को मिटाना है कि भैया प्राकृतिक दोष को मिटाना है? आपसे कोई पूछे कि भाई जो आपका बनाया हुआ दोष है वो आप मिटाइए, या जो प्राकृतिक दोष है उसको हम मिटाएं? जी अपना बनाया हुआ। तो अगर हमको अल्प शक्ति मिली है, तो क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि विशेष शक्ति लाए? जी
अगर हमको अल्प जीवन मिला है तो क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी कि हम विशेष जीवन लाए? ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसी अल्प शक्ति का दुरुपयोग न करें ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? उसी अल्प जीवन में जो जानते हैं उसको स्वीकार करें ये जिम्मेदारी है कि नहीं? ये तो जो हम पर जिम्मेदारी है उसको पूरा कर देने के बाद भी क्या जीवन निर्मल नहीं होगा? और जब जीवन निर्मल होगा तो वेदों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होगी? कुरान की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होगी? कुरान की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए भाई मानव जीवन में समस्त शास्त्रों की अभिव्यक्ति हो सकती है, समस्त वेदों की अभिव्यक्ति हो सकती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। किंतु संदेह की बात सिर्फ यह है कि हम मानव जीवन के महत्व को भूल करके जो जानते हैं उसका प्रभाव नहीं, जो जानते हैं उसका प्रभाव नहीं स्वीकार करते। यानी ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं, प्रभाव नहीं होता है ऐसी बात नहीं, प्रभाव होता है। आप देखिए, विचार कीजिए, छोटे छोटे ढंग से सोचिए कि भाई जब से रज और वीर का कीड़ा मां के पेट में इकट्ठा होता है तभी से प्राण शक्ति का घटना आरंभ होता है कि बढ़ना? शरीर भले बढ़े लेकिन प्राण शक्ति व्यय होती है या बढ़ती है? अब कोई विज्ञान बेटा होता है, घटती है। अच्छा, तो अब प्राण शक्ति घटती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म के साथ साथ मृत्यु आरंभ हो गई है। अच्छा, उस जन्म के साथ साथ जब मृत्यु आरंभ हो गई तो जन्म में मृत्यु है, फिर मृत्यु का भय कैसा है? लेकिन कब सोचेंगे? जब प्राण पखेरु गमन हो जाएगा। अगर हम अभी इस बात को स्वीकार कर लें कि भाई मृत्यु जब आएगी तब शरीर हमारा हमारे साथ नहीं रहेगा, साथी नहीं रहेंगे, सामान नहीं रहेगा, हम अभी से स्वीकार कर लें कि शरीर के रहते हुए शरीर हमारा नहीं है, साथियों के रहते हुए साथी हमारे नहीं है और सामान के रहते हुए सामान हमारा नहीं है, तो मृत्यु जिसका वियोग कराएगी उसका अगर हम वियोग स्वीकार कर लें तो भय होगा कोई जीवन में? अच्छा, अभय हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, जब हमें अभय पद प्राप्त होगा तब हम किसी को भयभीत करेंगे? अगर रूस से अमेरिका को भय न होता तो अमेरिका दूसरे देशों को भयभीत करने की सोचता जी? और अगर रूस को अमेरिका से भय नहीं होता तो रूस दूसरे को भयभीत करने की सोचता? तो जो स्वयं भयभीत होता है भाई मेरे, वही दूसरे को भय देता है। अच्छा, आप पूछिए, आपका भय नाश हुआ और आपसे जब किसी को भय नहीं होगा तब सब आपको प्यार करेंगे कि अनादर करेंगे? सब आपकी जरूरत अनुभव करेंगे, जरूरत अनुभव नहीं करेंगे? अच्छा भैया, जो कुछ नहीं चाहता है उससे किसी को भय होता है? अच्छा, तो सबको अभय करने में हम सब स्वाधीन है कि पराधीन है? अच्छा, सबको अभय कर देने पर जीवन का विकास होगा निराश होगा? तो आप देखिए, साधन कितना सुलभ है, है? साधन कठिन है क्या? साधन में भाई कोई कठिनता नहीं है। लेकिन उन्होंने भाई ने जो प्रश्न रखा था उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं कि भाई साधन में दृढ़ता केवल इसलिए नहीं है कि सिद्धि को हम वर्तमान जीवन की वस्तु नहीं मानते है और साधन में स्वाधीनता स्वीकार नहीं करते। यदि हम साधन में स्वाधीनता स्वीकार कर ले और सिद्धि को वर्तमान जीवन की वस्तु मान ले तो साधन में दृढ़ता हो सकती है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता था, मानव मात्र जन्मजात साधक है, सत्संगी होकर साधन निष्ठ हो सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है, अपनी मांग का ठीक ठीक अनुभव करना,
हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है हमें अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन चाहिए। करना क्या है? करना है सेवा। सेवा करना है कि सेवा हमारा साधन है और स्वाधीन अविनाशी रसरूप जीवन हमारा साध्य है। किसकी सेवा करना है भाई? निकटवर्ती जनसमाज की सेवा करना है, प्रियजनों की सेवा करना है, कुटुंबी जनों की सेवा करना है, शरीर की सेवा करना है। कैसे करना है? सेवा कैसे की जाती है? सबसे बड़ी तो सेवा है मेरे जानते कि किसी को बुरा न समझा जाए। हम किसी को कभी बुरा न समझें, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? जो किसी को बुरा नहीं समझता उसमें अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होते, बुरे संकल्प नाश हो जाते हैं। और जब बुरे संकल्प नाश हो जाते हैं तो अपने आप शुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो शुद्ध संकल्प जब उत्पन्न होने लगे तब समझना चाहिए कि सेवा का क्रियात्मक रूप आरंभ हो गया। बहुत से सेवक हैं, उन सबके जीवन में ये बात रहती है कि उनके संकल्प शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का मतलब क्या? जो सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबके विकास में रत रहते हैं। तो सभी का विकास हो जाए, सभी का भला हो जाए, सभी का हित हो जाए, यहां से सेवा आरंभ होती है। यहां से सेवा आरंभ होती है। अंत कहां होता है सेवा का? कि सेवा करने से अपने आप अपने में त्याग का बल आता है। जिसने सेवा की है उसमें त्याग जरूर आएगा। बहुत से साधक सोचते हैं कि परिवार वालों की सेवा करेंगे तो मोह में फंस जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात। बहुत से कहते हैं देश की सेवा करेंगे तो मोह में फंस जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात है। सेवा करने से मोह का नाश होता है, त्याग पुष्ट होता है। सेवा करने से कोई फंसता नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि सेवा करे थोड़ी और सेवक कहलाने की वासना रखे या सेवा के बदले में मान और भोग को पसंद करे वो तो पहले ही से फंसा हुआ है, फंसेगा क्या? जो सेवा के बदले में मान और भोग की आवश्यकता अनुभव करता है वो तो फंसा हुआ है ही, फंसेगा क्या? लेकिन वास्तव में अगर बच्चों के मोह से रहित होना हो तो बच्चों की सेवा करो, परिवार के मोह से रहित होना हो तो परिवार की सेवा करो। जिसका मोह नाश करना हो उसकी सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होगा कि जो पहले से विद्यमान राग है, देखिए आज हम इस बात को माने न माने, जिस किसको जो कुछ मिला है वो आज से नहीं मिला है। जैसा पति मिला है, जैसी संतान मिली है, जैसा भाई मिला है, जैसा परिवार मिला है, ये विद्यमान राग का ही परिणाम है। तो विद्यमान राग की निवृत्ति सेवा करने से होती है। लेकिन कब होती है? जब सेवा करने पर भी सेवक कहलाने की रुचि न हो, उसका फल मांगने की रुचि न हो। तो अपना अधिकार छोड़कर जो दूसरों के अधिकार को देता है वो है सेवक। यही है धर्म विज्ञान। धर्म भी एक साइंस है। क्या है? कि भाई दूसरों के अधिकार की रक्षा करो और अपने अधिकार का त्याग करो। ये बहुत जरूरी है, हर भाई के लिए जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि भूतकाल की भूल को न दोहरा कर वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखो। और तीसरी बात क्या है? हमारे में और दूसरों में अनेक भेद हो, रुचि का भेद हो, मान्यता का भेद हो, रहन सहन का भेद हो, मजहब और इज्म का भेद हो, अनेक भेद होने पर भी
प्रीत की एकता। तो मानव मात्र के लिए तीन बातें हुई, हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे जिससे विद्यमान राज निवृत्त हो जाए, अपने अधिकार का त्याग करेंगे जिससे नवीन राज की उत्पत्ति न हो, और की हुई भूल को न दोहराकर अपना वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखेंगे, और अनेक भेद होने पर सभी के साथ प्रीत की एकता रखेंगे। आप जानते हैं आज सामाजिक संघर्ष मिटाने का सबसे सुंदर उपाय क्या है? ये उपाय नहीं है कि हम जो मानते हैं वो सब मानने लग जाएं, हम जो करते हैं वो सब करने लग जाएं, ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि हम अपने और दूसरों के बीच में अनेकों प्रकार के भेद क्यों न पाए पर सभी के साथ प्रीत की एकता रखेंगे। ये जो प्रीत की एकता जो होती है ये बुराई करने से रोक देती है। जो हमको प्यारा लगता है उसके साथ हम बुराई नहीं कर पाते। बुराई रोकने के लिए राष्ट्र की कल्पना की, बड़े बड़े कानून बनाए गए, लेकिन बुराई रुकी क्या? बुराई रोकने के लिए मजहब की कल्पना की, बड़े बड़े साधन प्रणालियां बनाई गई, पर बुराई रुकी क्या? मानना पड़ेगा नहीं रुकेगी। मजहब के नाम पर भी झगड़े होते हैं, इज्म के नाम पर भी झगड़े होते हैं, राष्ट्रीयता के नाम पर भी झगड़े होते हैं। तो गंभीरता से विचार करने पर ऐसा लगता है कि अगर सचमुच आपको विश्व शांति प्राप्त करना है या विश्व शांति के यज्ञ में भाग लेना है या सभी को भला देखना है तो प्रीत की एकता स्वीकार करो। आज अगर हम प्रीत की एकता को स्वीकार कर लें तो कम से कम भलाई न भी करें तो बुराई तो नहीं ना करेंगे। और जब समाज में बुराई नहीं रहती, जब जीवन में बुराई नहीं रहती तो अपने आप सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है, विश्व शांति का प्रश्न हल हो जाता है। तो महानुभाव मुझे कोई नई बात निवेदन नहीं करना है, निवेदन ये करना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में से बुराई सदा के लिए निकल जाए तो सभी को प्यार देना सीखो, सभी को प्यार देना सीखो। वस्तु दो मत दो, आपके वस्तु न देने से कोई दुनिया का बड़ा भारी हानि नहीं हो जाएगी और आपकी वस्तु से सारे समाज की गरीबी नहीं मिट जाएगी। क्षमा करेंगे महानुभाव, विचार करेंगे, कोई आश्रम ऐसा नहीं बना, कोई संस्था ऐसी नहीं बनी, हमने तो कोई विद्यालय ऐसा नहीं देखा जिसमें सबका एडमिशन हो जाए, कोई धर्मशाला ऐसी नहीं देखी जिसमें सबको जगह मिल जाए। तो क्रियात्मक सेवा तो सीमित ही होती है, उसको आप कितना ही विस्तार दीजिए आखिर वो सीमित ही रहती है। लेकिन अगर हम और आप प्रीत की एकता स्वीकार कर लेते हैं, अगर आज हम ये मान लेते हैं हम सभी को प्यार देंगे, हम सभी को आदर देंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो महान भाव इससे जो सेवा बनेगी वो दुनिया की, सारी दुनिया की, कोई राष्ट्र उतनी अच्छी सेवा नहीं कर सका, कोई मजहब उतनी अच्छी सेवा नहीं कर सका, कोई संस्था उसकी अच्छी सेवा नहीं कर सका। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं संस्थाओं का आदर नहीं करता हूँ या मैं मजहब का आदर नहीं करता हूँ, लेकिन गंभीरता से विचार करके देखें कि जिन्होंने जीवन में प्रीत की एकता स्वीकार की, जिन्होंने सभी को आदर और प्यार देना स्वीकार किया, उनके द्वारा जो सेवा हुई है वो किसी के द्वारा नहीं होती। क्योंकि सेवा करने का फल क्या है? सेवा करने की भावना फैल जाए। सेवा का असली स्वरूप यही है कि हमारे हृदय में सभी के प्रति प्यार आ जाए, सभी के प्रति आदर आ जाए, और जीवन में से जो व्यक्ति की दास्ता है, वस्तु की जो दास्ता है, परिस्थितियों की जो दास्ता है, अवस्थाओं की जो दास्ता है, उसका नाश हो जाए। आप व्यक्ति की दास्ता में फंसकर मोह से रहित नहीं हो सकते, आप वस्तुओं की दास्ता में फंसकर लोभ से रहित नहीं हो सकते, आप परिस्थिति की दास्ता में फंसकर अभिमान और दीनता से रहित नहीं हो सकते, आप अवस्था की दास्ता में फंसकर प्रसन्नता से रहित नहीं हो सकते। तो महान भाव मेरा निवेदन केवल इतना ही था, जो किसी को अपना नहीं मानता है वही सभी को अपना मानता है, जो सभी को अपना मानता है उसी में ये सामर्थ्य आती है कि वो किसी को अपना न माने। तो मेरा निवेदन ये था कि आज हमसे भूल क्या होती है, हम व्यक्तियों की सेवा करते हैं, हम वस्तुओं से संबंध रखते हैं। मेरा निवेदन केवल ये था
कि आपकी सेवा के पात्र तो सारा संसार है। और सबसे बड़ी सेवा धन से नहीं हो सकती, योग्यता से नहीं हो सकती, बल से नहीं हो सकती, कानून से नहीं हो सकती। सबसे बड़ी सेवा हो सकती है किसी का बुरा न चाहने से, किसी को बुरा न समझने से, और किसी के साथ किसी भी कारण से बुराई न करने। आप अगर सच्चे सेवक होना चाहते हैं और सबसे बड़े सेवक होना चाहते हैं तो आपको ये तीनों बातें अपने ही द्वारा अपने में स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा, आज से मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, आज से मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, आज से मैं किसी के साथ बुराई नहीं करूंगा। मान भाव, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी को भला समझें, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी का भला चाहें, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी का भलाई करें। ये क्या कम है कि हम किसी को बुरा न समझें, हम किसी का बुरा न चाहें, हम किसी के साथ बुराई न करें। ये कम चीज नहीं है। और ये चीज जब जीवन में आ जाती है, आप जानते हैं क्या होता है, बड़ी ऊंची बात है, बड़े दार्शनिक बात है। अगर आज हमारे और आपके जीवन में ये बात आ जाए कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, तो आप सच मानिए ये भावना, ये सद्भावना इतनी व्यापक हो सकती है कि सभी लोग इस बात को मान सकते हैं। देखिए, सिखाई हुई बात अधिक नहीं फेरती, सिखाई हुई बात अधिक नहीं फेरती, उत्पन्न हुई बात कभी नाश नहीं होती। तो सच्चाई हमारे आपके जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए, उसको बलपूर्वक ऊपर से नहीं भरना चाहिए, हमारे आपके जीवन में से अवतरित होना चाहिए। तो अगर आप सचमुच विश्व शांति के प्रश्न को हल करना चाहते हैं, मानव जात की यथेष्ट सेवा करना चाहते हैं, सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, अपने को शांत देखना चाहते हैं, अपने को स्वाधीन देखना चाहते हैं, तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम और आप दूसरों को बुरा समझना, दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों के साथ बुराई करना छोड़ दें। इसमें आपके धन का खर्च नहीं होगा, इसमें आपको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको अपने को अपना परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी अहंता बदलनी पड़ेगी, आपको अपने में ये बात माननी पड़ेगी कि मुझे अधिकार नहीं है किसी को बुरा समझने का, मुझे अधिकार नहीं है किसी का बुरा चाहने का, मुझे अधिकार नहीं है किसी की बुराई करने का। अगर आप सचमुच विश्व सेवा में सबसे ऊंची सेवा करना चाहते हैं और अपने द्वारा करना चाहते हैं और हर परिस्थिति में करना चाहते हैं, ये महाव्रत लेना ही होगा। अब दूसरा प्रश्न आता है अपने कल्याण का। अगर आप सचमुच अपना कल्याण चाहते हैं तो आपका कल्याण किसी बाह्य सहायता से नहीं होगा, किसी और के द्वारा नहीं होगा, आपका कल्याण होगा निज ज्ञान के प्रभाव से। आपका ज्ञान आपको क्या प्रेरणा देता है? हर भाई का ज्ञान ये प्रेरणा देता है कि जैसा शरीर पहले था वैसा अब नहीं है, जैसा अब है वैसे आगे नहीं रहेगा, हम लोग मिले हैं अलग हो जाएंगे, हैं? ये ज्ञान हमको प्रेरणा देता है। तो जब मिले हैं अलग हो जाएंगे तो हमें निर्मम होना है, द्वेष नहीं करना है। ये नहीं है कि आज हम परिवार वालों को तो बुरा समझने लग जाएं और साधु भेष के लोगों को अच्छा समझने लग जाएं, ये बहुत बुरी बात है, ये बड़ा अपने को धोखा देना है। जिसे परमात्मा प्यारा लगता है उसे सब प्यारे लगते हैं, जिसे संत प्यारा लगता है उसे सब प्यारे लगते हैं, क्योंकि संत और परमात्मा सभी को अपना मानते हैं। तो परमात्मा माने सभी को अपना और हम माने किसी को अपना और किसी को गैर, तो भाई ये परमात्मा की भक्ति नहीं हुई, ये संत की भक्ति नहीं हुई। संतों ने तो सबने ये कहा है सभी को अपना मानो, सभी अपने हैं, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है। तो महान भाव, जो संतों को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है, जो परमात्मा को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है, जो अपने को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है, और जो संतों को प्रेम नहीं करता, जो परमात्मा को प्रेम नहीं करता, जो अपने को प्रेम नहीं करता, वो भाई किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए मेरा निवेदन ये था,
कि अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो आप ही के ज्ञान से जो बात प्रत्यक्ष है, स्वतः सिद्ध है, उसके अनुसार ममता तोड़ दो, अर्थात अपना मत मानो, कामना छोड़ दो, संबंध तोड़ दो, अपना अधिकार छोड़ दो। जारी तो बातें, लेकिन अपना अधिकार छोड़ दो पर अपना कर्तव्य मत छोड़ दो, अपनी ममता छोड़ दो लेकिन आदर और प्यार देना मत छोड़ दो, कामना छोड़ दो लेकिन उदारता मत छोड़ दो, उदारता मत छोड़ दो। आज की दशा क्या है, ममता तोड़ने के लिए लोग सेवा करना छोड़ देते हैं, कामना तोड़ने के लिए लोग संसार को बुरा समझने लगते हैं। ये मत करो, ममता तोड़ दो, कामना छोड़ दो, अपना अधिकार छोड़ दो, अपना संबंध तोड़ दो, लेकिन कर्तव्य मत छोड़ो, सेवा मत छोड़ो, सेवा करते रहो, सभी जिसकी बने उसकी करते रहो, जहां रहो वहीं करते रहो। मैं तो कहता हूँ जो आदमी हर वक्त दुखी रहता है वो अपनी सेवा नहीं कर सकता, हर वक्त दुखी रहने की जरूरत नहीं है, करुणा और चीज है, दुख और चीज है, दुख से शक्ति क्षीण होती है और करुणा से तो शक्ति जागृत होती है। सती माँ के जीवन की घटना मुझे याद आई, जिस परिवार में आई थी बहू बनकर, उस परिवार की खूब सेवा करती थी, भगवान में खूब विश्वास करती थी, शरीर से खूब परिश्रम करती थी, ये परिवार के बाहर नहीं गई, ये वन में नहीं गई तप करने के लिए, इन्होंने घर में बैठ करके परिवार की बड़ी सेवा की। एक सज्जन, इनके जेठ के लड़के बड़े, उनके उंगली में फोड़ा हो गया, उसके मुंह से निकला ताकि था अब मुझसे तकलीफ नहीं सही जाती, ये इतनी करुणत हो गई, ये इतनी दुखी हो गई कि उसका फोड़ा अच्छा हो गया और इनकी उंगली में हो गया, और उसका इलाज इन्होंने नहीं किया, इनकी जिठानी जी ने उस गर्म लोहे से उसको दाग दिया, उस फोड़े का इलाज यही था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भगवान को पकड़ने के लिए वन में नहीं जाना है, परिस्थिति नहीं बदलना है, जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में प्रियजनों की ईमानदारी से सेवा करना है। आप ये समझते होंगे कि अगर हम में से ममता, अगर हमें लगे कि कोई हमसे बहुत आसक्ति करता है तो इसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो आसक्ति करता है, मानना चाहिए हम में कहीं दबी हुई आसक्ति है। कोई साधु महात्मा ही समझ लेते हैं ना कि लोग हमारे ऊपर बड़ी श्रद्धा करते हैं, हमको बहुत पसंद करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच लोग पसंद करते हैं, उसका मतलब यह है कि तुम में खुद लोक वासना है इसलिए परिस्थिति सामने आती है। तो मान का मिलना, संसार की ओर से मान का मिलना, ये अपनी ही कामना का फल है। ऐसे ही संसार की ओर से जब अनादर मिलता है तो ये अपनी भूल का फल है। संसार सचमुच न किसी को मान देना चाहता है न किसी का अनादर करना चाहता है, तुम्हारी वासना पूर्ति के लिए मान देता है और तुम्हारी भूल दिखाने के लिए अनादर करता है। तो जब तक आप इस वास्तविकता पर नहीं जाएंगे कि भाई हमसे लोग क्यों आसक्त होते हैं, इसके मानिए हमारी उनमें आ सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि अगर आपको परमात्मा प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, मोह से रहित होना है, लोभ से रहित होना है, माया जाल से रहित होना है, तो जिनके साथ रहो उनको खूब आदर दो, खूब प्यार दो और सेवा करो। सेवा करने से कोई फंसता नहीं है, आदर करने से कोई फंसता नहीं है, प्यार करने से कोई फंसता नहीं है। बच्चों की सेवा करने से बच्चों के मोह में नहीं बचेगा, बल्कि बच्चों की सेवा करने से बच्चों का मोह नाश हो जाएगा, परिवार के लोगों की सेवा करने से परिवार का मोह नाश हो जाएगा। ऐसे ही महानुभाव संस्था की सेवा करोगे तो संस्था का मोह नाश हो जाएगा, समाज की सेवा करोगे तो समाज का मोह नाश हो जाएगा। मोह नाश होने से अपना कल्याण होता है, और किसी प्रकार अपना कल्याण नहीं होता। हिमालय की चंद्रा में घुस जाने से अपना कल्याण नहीं होता, आंख बंद करने से कल्याण नहीं होता, कान बंद करने से कल्याण नहीं होता, श्वास रोकने से कल्याण नहीं होता, मोह रहित होने से कल्याण होता है। और मोह रहित कब होता है, जब अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने ही शरीर से ममता को तोड़ देता है। शरीर की ममता तो तोड़ देता है लेकिन शरीर की बच्चे की भांति सेवा करता है। जिसे रोटी खाना भगवान की पूजा नहीं मालूम हुई वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता, जिसे कपड़ा पहनना भगवान की पूजा नहीं मालूम हुई वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज तो भगवान की है, शरीर भी तो भगवान का है। तो शरीर को आवश्यकता है सही खुराक देने की, सही खुराक दे दीजिए, शांत रखने की शांत रख दीजिए। तो अपने शरीर की सेवा भी भगवत पूजा है, परिवार के शरीर परिवार की सेवा भी भगवत पूजा है,
देश की सेवा भी भगवत पूजा है, समाज की सेवा भी भगवत पूजा है। सेवा जो है ये भगवान की ही पूजा है। तो जो पूजा करता है, जो सेवा करता है, वो मुक्ति पाता है और भक्ति पाता है। जो सेवा करता है वो मुक्ति भी पाता है और भक्ति भी पाता है। क्यों? सेवा करने से राग का नाश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है। जब राग और मोह का नाश हो जाता है तो अपनी देह के रहते हुए देह से असंगता का बोध हो जाता है। ये ऐसी चीज नहीं है। आजकल के हमने साधकों को देखा है कि जिन्होंने ईमानदारी से हमें बताया है कि स्वामी जी हम क्या बताएं, हमको तो कभी ये नहीं मालूम होता कि हम देह का हमारा कोई संबंध है। आज की बात कहता हूँ, आज के साधकों की बात कहता हूँ। तो जिसका देह से संबंध टूट जाता है उसका संसार से संबंध टूट जाता है, और जो देह से संबंध रखता है वो चाहे कितना ही तपस्वी हो, कितना ही दानी हो, कितना ही बड़े से बड़ी परिस्थिति उसकी क्यों ना हो, जिसका देह से संबंध नहीं टूटा उसका संसार से संबंध नहीं टूटता है। तो संसार से संबंध जोड़ने वाला कौन सा संबंध है? देह का संबंध। जो देह को अपना करके नहीं जानता, जो अपने को देह करके नहीं जानता, भला बताओ उसका संबंध संसार से कहाँ रहता है? कभी नहीं रहता। इसलिए चार बातों की जरूरत है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर से मेरा संबंध नहीं है, हैं? शरीर से मेरा संबंध नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो जिसे अपने लिए कुछ नहीं करना होता है वही सेवा करता है, और जिसे अपने लिए भी करना होता है वो सेवा के अंत में भोग में फंसता है, मान में फंसता है, बड़ाई में फंसता है, लीडरी के अंत में मिनिस्ट्री में फंसता है। तो मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि आप चाहे जिसकी सेवा करें लेकिन सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए। जब सेवा का अंत त्याग में होगा तो त्याग का अंत बोध में होगा और बोध का अंत प्रेम में होगा। देखिए बोध क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है? कोई खिलौना है कहीं? आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या कि जिसने स्थूल सूक्ष्म कारण कर्म चिंतन और स्थिति, देखिए शरीर के संबंध से ही कर्म का आरंभ होता है, शरीर के संबंध से ही चिंतन का आरंभ होता है, और शरीर के संबंध से ही समाधि तक शरीर का संबंध रहता है। निर्विकल्प स्थिति में भी कारण शरीर का संपर्क रहता है, सार्थक चिंतन में भी सूक्ष्म शरीर का संबंध रहता है, पुण्य कर्म में भी स्थूल शरीर का संबंध रहता है। ये कर्म चिंतन और जो स्थिति है ये शरीर के संबंध से ही सिद्ध होती है। इसलिए जिसने शरीर का संबंध छोड़ दिया उसके द्वारा होने वाला कर्म उसे बांधेगा नहीं, उसके द्वारा होने वाला चिंतन उसे बांधेगा नहीं, उसके द्वारा होने वाली स्थिति उसे बांधेगी नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो कर्म चिंतन स्थिति से असंग हो जाएं, असंग हो जाएं और अभी हो जाएं और अपने द्वारा हो जाएं। ज्ञान ज्ञान से ही होता है। वैसे तो भाई बहुत से लोग कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, मैं कहता हूं ज्ञान ही तो गुरु है, और कोई गुरु थोड़ा ही है। जो तुम्हारा ज्ञान है यही तो गुरु है। तो जैसे लोग कहते हैं तो गुरु के बिना भगवान नहीं मिलता, तुम्हारी जो आस्था है, तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो विश्वास है उसी से तो भगवान मिलता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते अगर हमको गुरु नहीं मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्ञान रूपी गुरु, श्रद्धा विश्वास रूपी गुरु आपको मिला हुआ है, आप ही में है, आपका गुरु आपसे दूर नहीं है। हाँ, जिन महापुरुषों ने अपने ज्ञान का आदर किया, अपनी श्रद्धा में विकल्प नहीं किया, उनको भी गुरु माना गया। तो उनको जो गुरु माना गया ये संसार की उदारता है, ये संसार का भोलापन है। वास्तव में संसार में जितने गुरु हुए मैं कहता हूँ भगवान में श्रद्धा विश्वास बिना करें देखे कैसे भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान का आदर बिना किए देखे कैसे मुक्ति मिल जाएगी, बल का सदुपयोग बिना किए देखे कैसे आप धर्मात्मा हो जाएंगे। मुझसे एक दफे माताजी ने कहा, शुद्ध माताजी मैंने पूछा, मैंने कहा माताजी मेरे हर्ष का वो सबसे बड़ा सुंदर दिन होगा जब मैं आपसे मिलना चाहूंगा और आप कहेंगे मुझे आपकी जरूरत नहीं है।
गुरु की सबसे बड़ी भक्ति वो है कि गुरु मिलना चाहे और शिष्य का जरूरत नहीं। क्यों? जिसने गुरु की बात को अपनाया उसमें स्वयं में गुरु का अवतरण हो गया। मुझे अपनी घटना मालूम है, मैंने महाराज का जब बाहरी शरीर नाश होने जाने जा रहा था तो मेरे मुंह से निकला कि महाराज मैं ये चाहता था कुछ दिन और आपका शरीर रहता। उन्होंने बड़े धीरज से कहा, देख भैया मेरे अनेकों शरीर हैं, जब जरूरत होगी मैं मिल जाऊंगा। और ऐसी घटनाएं घटी जब मैंने सोचा कि महाराज ये भी तो आपका शरीर है, इसके द्वारा भी तो आप प्रकाश दे सकते हैं। तो सच्चा गुरु और सच्चा गुरु भक्त एक होकर रहता है, बाहर की ओर नहीं देखता है, गुरु के हाड़ मास की ओर नहीं देखता है, वो तो केवल गुरु का जो प्रकाश है, जिसने प्रभु में श्रद्धा दी, जिसने ज्ञान का आदर कराया, जिसने बल का सदुपयोग कराया, तो ये जो जीवन का सत्य है यही सत्पुरुषों में होता है, यही उनका असली स्वरूप है। उनका बाह्य रूप असली नहीं है, उनका बाह्य क्रियाकलाप असली रूप नहीं है, असली रूप है उनमें जो उदारता है, असली रूप है उनमें जो समता है, असली रूप है उनमें जो प्रियता है। तो हम सब मानव होने के नाते अपने ज्ञान के प्रभाव से अभी मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, श्रद्धा विश्वास से भक्ति का आनंद ले सकते हैं, उदारता से विश्व शांति में भाग ले सकते हैं। तो महान भाव किसी को बुरा न समझने के समान और कोई उदारता नहीं, अचाह और अप्रयत्न होने के समान और कोई अध्यात्म उन्नति का साधन नहीं है, आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने के समान और कोई प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि आप उतना जानते हैं जितना जानना चाहिए, आप उतना कर सकते हैं जितना करना चाहिए, अपने पर भरोसा कीजिए, मानव जीवन के महत्व को अपनाइए, आप सच मानिए, संसार में जितने सत्पुरुष हैं सबकी सद्भावना आपके साथ रहेगी, जगत की उदारता आपके साथ रहेगी, प्रभु की कृपालुता आपके साथ रहेगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना चाहें और जगत आपको सहायता न करे और परम सत्पुरुषों की सद्भावना आपके साथ न रहे, प्रभु की कृपालुता आपके साथ न रहे। हर भाई के साथ, हर बहन के साथ जब वो सत्संगी होकर साधन निष्ठ होने की तैयारी करता है, उसी समय से चराचर जगत हर्ष मनाता है, हर्ष मनाता है और आपकी अपनी उदारता से आपका आवश्यक कार्य पूरा करता है। इसमें मुझको लेस मात्र भी संदेह नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, आज बड़ी पवित्र भूमि में एक सच्चे सेवक की स्थापना में, और मैं ये जानना चाहता कहना चाहता था, क्या हम और आप आज इस बात को स्वीकार करेंगे? देखिए पहले भावना आनी चाहिए, भावना आनी चाहिए। तो कौन सी घड़ी होगी जब मेरा हृदय पर पीड़ा से भर जाएगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब मैं असंग हो जाऊंगा, वो कौन सी घड़ी होगी जब मेरा जीवन प्रभु प्रेम से भरेगा। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती महान भाव कि परमात्मा आप कहेंगे तब सुनेगा। प्रार्थना का असली रूप क्या है? प्रार्थना का असली रूप है अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक अनुभव करना, अपनी आवश्यकता का, मुझे प्रभु प्रेम चाहिए, ये आवश्यकता अनुभव करो, मेरा जीवन सेवा परायण हो जाए, मुझे असंगता पूर्वक अमर जीवन मिल जाए। तो अमरत्व की प्राप्ति की मांग, उदारता की मांग, प्रभु प्रेम की मांग हमारे जीवन में रहनी चाहिए। देखिए प्रार्थना शब्दों द्वारा नहीं की जाती, प्रार्थना का मतलब है अपनी जरूरत की विस्मृति न हो, बल्कि सारी इच्छाएं गलकर अपनी जरूरत में विलीन हो जाएं। मुझे प्रभु प्रेम चाहिए, मुझे स्वाधीनता चाहिए, मुझे उदारता चाहिए, जीवन जगत के लिए उपयोगी हो, जीवन अपने लिए उपयोगी हो, जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो, इस प्रकार की जो मांग है, इस प्रकार की जो मांग है उस मांग का नाम है प्रार्थना। आप सच मानिए जिस समय सर्वसमर्थ प्रभु ये देखेंगे कि तुम शांति के बिना नहीं रह सकते, तुम मुक्ति के बिना नहीं रह सकते, तुम भक्ति के बिना नहीं रह सकते, तुम सेवा के बिना नहीं रह सकते, तुम त्याग के बिना नहीं रह सकते, तुम प्रेम के बिना नहीं रह सकते, आप में सेवा का बल भी आ जाएगा, आप में त्याग का बल भी आ जाएगा,
आप में प्रेम का बल भी आ जाए। मैं अपने जीवन की घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार मैं बहुत दुखी हो गया और दुखी हो गया अपनी भूल से। तो मुझे दुख क्या मालूम होता था कि संसार मेरी आवश्यकता अनुभव नहीं करता, संसार मुझे यथेष्ट स्थान नहीं देता, ये मेरा दुख था। इस दुख में बैठा हुआ था तो जब मनुष्य को दूसरे पर क्रोध रहता है ना, तब तक उसे सही रास्ता नहीं मिलता। तो मैं सोचने लगा कि भाई संसार किसका, जो काम आया उसका। तो अगर संसार मुझे स्थान नहीं देता तो इसका अर्थ यह है कि मैं संसार के काम नहीं आया, तो इसमें संसार का अपराध नहीं है। देखिए साधक जब सच्चाई की ओर चलता है तो सबसे पहले उसे अपनी भूल का तो दर्शन होता है और दूसरों को निरपराधता का दर्शन होता है। तो मुझे ये मालूम हुआ बेचारे संसार का कोई अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं उसके काम आता तो मुझे आदर देता, मुझे स्थान देता। मैं उसके काम नहीं आया इसलिए मुझे आदर नहीं देता, इसमें संसार का कोई अपराध नहीं है। जब मनुष्य किसी दूसरे को अपराधी जब नहीं मानता है तब बहुत ही स्पष्ट रूप से उसे अपने अपराध का दर्शन होता है। जब मुझे अपने अपराध का दर्शन हुआ कि मैं संसार के काम नहीं आया, कि मेरे तो अपराध है, तो संसार के काम क्यों नहीं आया, कि मैंने अचाह अपने को नहीं माना। मैंने अचाह अगर मान लिया, अचाह हो जाता, जो अचाह हो जाता है ना वो संसार के काम आने लगता है। तो दूसरे प्रेरणा तुरंत मिली, हे संसार तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे काम नहीं आया, तो दोस्त तुम भी तो मेरे काम नहीं आए। अब मुझको क्षमता मिल गई। पहले तो मैं अपने को अपराधी मानता था ना, और जब अपने को अपराधी मानता था तो संसार को भी अपराधी मानता था। क्यों? ये मेरे काम नहीं आया। शिकायत कौन करता है? परमात्मा की शिकायत करे तो, परिवार के लोगों की शिकायत करे तो, समाज की शिकायत कौन करेगा? जो समाज से कुछ चाहता है, आप सोचिए ना, वही तो शिकायत करेगा। तो मैंने कहा कि हे संसार तुम मेरे काम नहीं आए, मैं तुम्हारे काम नहीं आया। आज से जब तक सुनने वाले को हर्ष नहीं होगा नहीं बोलूंगा, खिलाने वाले को हर्ष नहीं होगा नहीं खाऊंगा, मिलने वाले को हर्ष होगा नहीं मिलूंगा। इसमें कौन सा मैंने तप किया? एक सत्य सामने आया उसको अपनाया और आज मुझे बोलना पड़ता है। वो दिन भी था जब लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, वो दिन भी है कि आप सुनना चाहते हैं। इसमें मेरी विशेषता नहीं है, ये प्रभु की कृपालुता है, ये जगत की उदारता है, ये सत्पुरुषों की सद्भावना है कि सत्पुरुषों की सद्भावना से, जगत की उदारता से, प्रभु की कृपालुता से ये प्रकाश मिला कि जो मेरे बिना रह सकता है मैं उसके बिना रह सकता हूं। हर्ष पूर्वक, शांत पूर्वक, धीरज पूर्वक ये बल साधक में आता है। इस बल के आने से साधक सेवा के योग्य होता है। महानुभाव सेवा करते जाओ, त्याग को अपनाते जाओ, प्रेम की भूख बढ़ाते जाओ, ये तीनों चीजें साथ चलें। करो सेवा, त्याग को अपनाओ और प्रेम की भूख बढ़ाओ। जैसे जैसे जीवन में प्रेम की भूख बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे त्याग पुष्ट होता जाएगा, जैसे जैसे सेवा सजीव होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आपका सभी का सर्वतोमुखी विकास हो जाएगा। आप भी कोशिश करें, आप भी अपने में विश्वास करें, आप भी प्रार्थना करें और कहें, सोचें, चाहे परमात्मा को मानकर प्रार्थना करें, चाहे परमात्मा को बिना माने प्रार्थना करें, ये आवश्यकता अनुभव करें कि मेरा जीवन सेवा से, त्याग से, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इस आवश्यकता के अनुभव करने ही से आप में वो सामर्थ्य आ जाएगी कि आप सेवा कर सकेंगे, आप त्यागी हो सकेंगे, आप प्रेमी हो सकेंगे। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। महानुभाव मेरी कटुतापूर्ण बातचीत से आपके हृदय को अगर क्षोभ हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपके दुख से दुखी होकर, आपकी बेबसी को देखकर, आपकी असमर्थता को देखकर, आपको अपने पर अविश्वास देखकर, आपको प्रभु में अविश्वास देखकर कि मैंने विधा आपके सामने प्रकट की है, उस पर भी अगर किसी महानुभाव को बुरा लगा हो